जहां तक मुझे यकीन है कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबे वक्त तक चला था और इसके पीछे में जो है कंट्रोवर्सी की जो स्टार्टिंग थी वो भाई लक्ष्य चौधरी, एल्विश यादव और सम्राट भाई की वजह से चली थी। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई बाबा का ढाबा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उसके ऐसे बाबा का ढाबा बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लग गए थे, लोग जो है सहानुभूति दिखाते हुए उन अंकल के पास में जा करके अपना बहुत सारा प्यार दिया, प्यार के साथ साथ जो है स्वाद ऑफिशियल की वजह से जो है उनको बहुत सारा डोनेशन दिया गया ताकि वो बाबा के ढाबा को हेल्प कर पाए, और उन्होंने हेल्प भी किया। पर एक समय के बाद में कंट्रोवर्सी ये निकल करके आई कि भाई जो पैसे आए थे उसमें से बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा जो है स्वाद ऑफिशियल के जो क्रिएटर है यानी गौरव भाई, भाई उन्होंने पैसा खा लिया। उसके बाद से ये मामला इतना तूल पकड़ा कि भाई जो है ऑन स्क्रीन रो पड़े, यानी एबीपी न्यूज जब माइक लेकर के उनके सामने खड़े थे वो बोलते बोलते एक्सप्लेन करते करते रो पड़े। अब इसके पीछे में जो रीजन थे ना भाई वो थे लक्ष्य चौधरी, एंड ट्रस्ट मी लक्ष्य चौधरी की बातें बहुत कड़वी होती है, लेकिन आप न्यूट्रल होकर के उनकी बातें सुनो तो बहुत लॉजिकल भी होती है और आप उनकी हर बात पे बिलीव भी करते हो, जो कि मैं भी करता हूं। उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और देखते देखते भाई जो मेरा एक अंदर का बड़ा था ना MLM को लेकर के, वो MLM के ऊपर में भी उन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए, एंड ट्रस्ट मी वो सारे वीडियोस मैंने शेयर भी किए उन सारे झंडुओं के साथ में जो MLM को बहुत सीरियसली लेते हैं और अपनी लाइफ को पूरे उसमें झोंक देते हैं। मैंने बोला यार बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं ये। तो आते सीधा मुद्दे पे कि भाई इनका जो कॉन्ट्रोवर्सी जो शुरू हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि इन्होंने उनके हर एक प्रूफ को जो है बहुत ही बुरे तरीके से ठुकराया था और ये कहा था कि ये सभी प्रूफ जो है फेक है। जब गौरव बाबा के पास में जाकर के उनका बाकी पैसा दे रहे थे तो उसमें भी क्रिटिसाइज किया गया कि कैमरा बीच में कट हुआ है और उसके बाद से दोबारा से कुछ बोल करके फिर से जो है उनको पैसा दिया है, मतलब जो शॉट दिखाए गए हैं वो शॉट जो है बहुत बनावटी है और गौरव ने जो है पैसा खा लिया। उसके बाद से उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि किसी को भी डोनेट करने से पहले एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लो और उसके बाद से पूछो तो सही कि मेरा पैसा सही जगह पे गया या नहीं, जो कि एकदम 101% सही है। अब मेन बात यह है कि गौरव को जो उस वक्त में झेलना पड़ा था, उस वक्त में जो भी चीजें उन्होंने झेला था, झेलने के बाद में उन्होंने रोते रोते सिर्फ एक ही चीज कहा था कि मुझे पता है मैं अपने रास्ते पे सही था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं तो नहीं डरने वाला हूं। बाबा ने भी बहुत धमाकेदार तरीके से अपने मैनेजर और वकील के साथ में बहुत सारे प्रूफ के साथ में उनके ऊपर में केस ढोकने की कोशिश की। अब भाई उसके बाद से जो ट्रेंड चलने लग गया था कि भाई आज के जमाने में कोई किसी को फ्री में हेल्प नहीं करता और ये साले लोग ऐसे ही होते हैं, फ्री का खाना खा करके जो है लोगों का प्रमोशन करते हैं और इन लोग तो भाई दो रोटी में बिक जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्रिटिसाइज करने लग गए थे लोग। और जैसे ही लक्ष्य चौधरी ने कहा तो उसके वजह से सबकी लाइन लग गई थी, क्योंकि अब तक जो मैंने यूट्यूब के अंदर में लक्ष्य चौधरी और एल्विश यादव को देखा है ये लोग ट्रेंड सेटर है, मतलब ये लोग ट्रेंड शुरू करते हैं। अगर किसी को रोस्ट करना है और इन्होंने अगर रोस्ट कर दिया तो उसके बाद से सभी रोस्टर रोस्ट करेंगे, सभी ओपिनियन देने वाले ओपिनियन देना शुरू कर देंगे। तो भाई उस वक्त में जो इन्होंने इमेज डैमेज किया था और उस वक्त में जो एक विश्वास लोगों ने गवा दिया था वो शायद कभी नहीं लोग जोड़ पाते अगर ये इंसिडेंट नहीं होता जो कि अभी फिलहाल में हुआ है। बाबा का ढाबा जो है वो अचानक से एक होटल में कन्वर्ट हो गया था, लाखों रुपए लगा करके उन्होंने अपना सेटअप रेडी कर लिया था, मतलब भाड़े पे, खुद का नहीं था भाड़े पे ही था, लेकिन भाई सीसीटीवी फुटेज के साथ एकदम अपने चेयर में बैठ करके सेठ जैसा होटल संभाल रहे थे और उसके बाद से जो है वो अचानक से ठप हो गया। ठप होने का रीजन ये था कि भाई उनका कमाई उतना नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों ने उन पे ट्रस्ट नहीं किया था, अब जो खाने के लिए आ रहे हैं वो हर दिन तो वीडियो देख करके खाने के लिए नहीं आएंगे ना, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई एक होटल खुला है, हमें भूख लगी, हम जाके खरीद के खाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के बीच में जो भी चीजें हुई है उसके अंदर में कोई भी इंसान अगर एक होटल खोल ले तो भाई उनका फ्लॉप होना बनता है। अब उस वक्त में उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये होटल खोल करके वो वापस आ गए अपने ढाबे में, और ढाबे में आने के बाद उनको ये भी रियलाइज हुआ कि पिछले कुछ महीनों में जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, क्योंकि उनको जो भी चीजें मिली थी और जितने भी लाइफ में बदलाव आई थी वो सिर्फ और सिर्फ गौरव वसंत की वजह से ही हुई थी। अब भाई वो सॉरी बोलना शुरू कर दिया, रिपोर्टर जाकर के उनके बारे में न्यूज बनाना शुरू कर दिया और फिर से बाबा का ढाबा जो है ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो गया। उसके बाद से एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया उस इंटरव्यू में कि मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने ये बोल दिया कि मैंने तो नहीं बुलाया था गौरव को, अब वो कहते हैं कि तुम आओ तो सही। हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम सॉरी फील कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई है, एक बार गौरव को आना चाहिए, हम बिल्कुल वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे पिछले बार किए थे। अब इस इंसिडेंट के बाद में गौरव वसंत ने एक ही चीज किया था भाई कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके सिर्फ एक वर्ड लिखा था हाथ जोड़ते हुए कि कर्मा, और उसके बाद से सभी लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि भाई वो बंदा जो रो रहा था वो फेक नहीं था, कैमरे के लिए नहीं था, उसने आज तक जितने भी लोगों का हेल्प किया है वो निस्वार्थ होकर के किया है, मतलब उसमें उनका कोई स्वार्थ था ही नहीं, पर फिर भी उनको इतना कुछ झेलना पड़ गया। अब सब के सब बाबा को हेट देने लग गए। और इस वीडियो को भी बनाने का रीजन ये नहीं कि आप जाकर के किसी को हेट दो, बाबा को दो या फिर लक्ष्य चौधरी को दो या फिर उन लोगों को दो जिनका वीडियो आपने देखा, उसके ऐसे इनको हेट करना शुरू कर दिया कि गौरव चोर है या फिर गौरव जो है फ्रॉड करता है, लोगों के नाम पे डोनेशन लेता है और खुद खा जाता है।
ठीक है। तो भाई ये सारी चीज होने के बाद में ये तो प्रूफ हो गया कि गौरव वसन जो है बहुत सही था और उसने जो भी किया था कुछ भी गलत नहीं था, उसने हेल्प करने की ही नियत से किया था। अब ये सारी चीज जब पता चल गया तो क्या ये ट्रेंडिंग पे नहीं आया है और क्या ये चीज अभी तक लक्ष्य चौधरी ने नहीं देखा होगा? भाई जहां तक मेरी मानो तो एक कॉन्टेंट क्रिएटर 24 घंटा इंटरनेट पे अपना कॉन्टेंट ढूंढता रहता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट देना है और बिना रुके देना है, जिसके वजह से कभी कभी जो है लोग वीडियोज भी नहीं डालते जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे वीडियो डाल करके जो आपको भाई पसंद ना है या फिर जिसके बारे में आपको इरिटेशन फील हो ऐसा वीडियो बना करके कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि मैं एक अच्छा कंटेंट दूं, थोड़ा रुक करके आपको कंटेंट दूं। भाई इस सारे चक्कर में मेरे हाथ में जब ये लगा तो मैंने सोचा कि एक चीज तो बनता है कि लक्ष्य चौधरी को अपने वीडियो में एक सॉरी या फिर कम से कम इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही जाकर के एक पैराग्राफ या दो लाइन लिख दे भाई कि मैं गलत था और तुमने जो भी किया था वो कंटिन्यू करते रहो और तुमसे जो भी हुआ है वो तुमने अपने हिसाब से किया है पर लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से अपने हिसाब से जज किया है, मुझसे भी गलती हो गई है। जैसे कि लक्ष्य चौधरी हमेशा से अपने वीडियो के अंदर में कहते रहते हैं कि गलती सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है और गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भाई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपने किसी के इमेज के बारे में नेगेटिव बोलते हुए नहीं डरे तो भाई अभी पॉजिटिव बोलने में क्यों डरना। सो मेरे हिसाब से लक्ष्य चौधरी को एक बार तो सॉरी बोलना चाहिए ताकि गौरव वसन को यार अच्छा लगे, उसको अच्छा फील हो कि जिन लोगों ने मुझे बुरा कहा था उन लोगों ने आज सॉरी बोल दिया और मुझे अपना काम उसी निष्ठा के साथ में उसी पूरे जोर के साथ में जाकर के मैं अपने काम को कंटिन्यू कर पाऊं। अब मुझे यह भी पता है कि इस वीडियो के अंदर में ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले क्योंकि लोगों को सिर्फ ट्रेंडिंग न्यूज चाहिए और ऐसी न्यूज चाहिए जिसमें मस्त मसाला लगा हुआ हो, लेकिन यार मुझे बस लगा कि यह वीडियो बनाना चाहिए और थोड़ी ही सी उम्मीद रखता हूं कि ऐसा भी हो कि यह वीडियो जो है लक्ष्य चौधरी तक पहुंचे और उनके सब्सक्राइबर भी उनको बोले कि भाई प्लीज आपको एक बार सॉरी बोल देना चाहिए, अल्विश यादव को भी बोलना चाहिए क्योंकि जिस तरह से गालियां भर भर करके उनको दिया गया है भाई, अब वो सही साबित हुए तो ये भी डिजर्व करते हैं कि भाई उनको उस तरह से सपोर्ट की जाए और उनको यार एक शाबाशी तो देनी चाहिए। That was my opinion. हो सकता है बहुत सारे लोग आकर के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे अबे ओ तेरे चैनल का हालत देख और तू किसके बारे में बोल रहा है, वो लोग कितने बड़े हैं। तो सबसे पहली बात, वो लोग भी इस लेवल से ही होकर गुजरे हैं और मैं भी इसी लेवल पे हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी यार इसी बात तो बिलीव करता हूँ कि बूंद बूंद से ही समुंदर भरता है। अब आपका क्या ओपिनियन है वो आपके ऊपर में है भाई, आपको जो करना है आप कर सकते हो लेकिन फिर भी एक अच्छे कॉज के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। सो दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन ओवर एंड अस्ता ला विस्ता।